रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महागठबंधन के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। राजद के बाद जदयू की तरफ से भी यह प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि उनका जब मन होगा तब वो अयोध्या जाएंगे। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने कहा कि जदयू का 16 सीटिंग सीट पर लड़ना फाइनल है, गठबंधन कैसे नहीं देगी। साथ ही पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 14 जनवरी के बाद लगातार कहा जा रहा है कि कुछ परिवर्तन होगा। 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी आएगा, 15 के बाद 16 जनवरी आएगा, 17 आता ही रहता है हर साल। अच्छा, अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री जी? अयोध्या जाएंगे सर? लेकर भी मामला फंसा हुआ है? कहीं कोई मामला नहीं फंसा हुआ, सब काम समय पर। आपने भी कहा 16 सीटों पर आप लोग जो है फंसाए हो। उस पर तो प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए ना। 16 सीट तो जीता हुआ है, तो 16 सीट पर तो लड़ना तय है, उसके आगे हमारे नेता तय करेंगे। क्या लग रहा है गठबंधन आपको 16 सीट देगी? गठबंधन 16 सीट देगी? जब हमारा 16 सीट है ही तो देगी क्या? इतना चाहते हैं ये सब हमारा पार्टी के अंदर न तय होगा, ये हम थोड़े यहाँ पर बोल देंगे तो तय हो जाएगा। इंडिया गठबंधन मजबूत बनाए रखने के लिए ना, इंडिया गठबंधन मजबूत है, आगे भी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है, इसलिए तो मुंह बाए हुआ है ना। अगर उनके पास ताकत होता, तो फिर जनता दल का इंतजार क्यों कर? प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, बिहार का दौरा है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएंगे बिहार? बिहार में कोई नो एंट्री लगा हुआ क्या? पूरे प्रदेश में वो जा सकते हैं, देश के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, विदेश में भी जाते ही रहते हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं आएंगे? बिहार में तो बड़े बड़े लोग आते रहे पहले से ही, बहुत आध्यात्मिक गुरु से लेकर के सभी तरह के लोग आते हैं, और देश के प्रधानमंत्री है तो उनका आना तो स्वाभाविक है और हम लोग स्वागत करते हैं। वही जदयू कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री शीला मंडल ने कहा कि हमारे नेता है मुख्यमंत्री, इस मुद्दे पर बात हो रही है, सब कुछ हो जाएगा। अरे ऐसे ही लोग निकलता है, सब चीज हो जाएगा, समय आएगा, सब चीज आपका आने की तरह साफ दिखाई देगा। नहीं, सीट शेयरिंग पर 10 एक पर मांग कर रही है, और आप लोग कह रहे हैं सभी सीटिंग सीट पर जो है चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे? तो हमारे नेता हैं, हम लोग देखिए पार्टी में कोई ना कोई गार्जियन होता है, तो हमारे गार्जियन है माननीय मंत्री जी, इस पर बात हो ही रही है, तो इसमें हम लोग का क्या है? हम लोग तो जो होगा जो निर्णय आएगा सबको और सब काम हो रहा है, ऐसा कोई नहीं है। बता दें कि इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बैठक नहीं हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी दिनों में भी सभी दल बैठक कर सीट बंटवारे पर मुहर लगा देंगे। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।